हाँ तुझे शर्म तो नहीं आ रही? तू हट्टा खट्टा होगा पानी पी रहा रमजान के महीने में। जिम्मा रोजा नू मैं तो पीऊंगा पानी। तू रोजा क्यों नहीं है? तू मैं रोजा रखूँ या ना रखूँ, मुझे सब लोग यही कहो तू रोजा नहीं आए, रोजा नहीं आए, तू रोजा नहीं रखता, रोजा रखो भी ऐसा है मैं बिना रखो भी ऐसा है। इसलिए मैंने सोचा मगर मैं तब ना खाऊंगा पीऊंगा मजे करूँगा। तो तू रोजा इनके लोगों के लिए रख रखा, रोजा रखने का हुक्म किसका? तो पता अल्लाह का। तो रोजा अगर तू रखेगा अल्लाह मेरे को तो पता ही तू रोजा या खोजो, अगर तू रोजा रखेगा अल्लाह मेरे को पता। और यह ऐसी नेकी अल्लाह में हर नेकी का बदला फरिश्तों के हाथों दिवाओगा, लेकिन रोजे का बदला खुद देगा, क्योंकि रोजा सिर्फ अल्लाह में के लिए रखा जा। और अल्लाह मेरे को पता कि रोजो कौन खोजो, ये थोड़ा ही कुछ कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो अल्लाह मेरे को हिसाब देना भाई। तो आज के बाद रोजा न तोड़े बेटे। ठीक है बाबा, आज के बाद एक भी रोजा न तोड़ने का, मेरे तो जो गलती होगी अल्लाह माफ़ कर दो, बस आज के बाद में कोई रोजा न छोड़ने का। ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? तुम्हारे बारे में सोचता आ रहा था मैं, तुम मुझे टकर ही गए यहाँ गली में। क्या बात? आते तुम ईशा में आए भी नहीं थे कल। अजी वो मैं एक जगह फंस गया था, भगवानपुर गया था, वहाँ लेट होगा मैं, मैंने वहीं पढ़ ली थी नमाज। चलो वो तो कोई बात नहीं, तुमने वही नमाज पढ़ ली थी, मैंने ना तुम्हारा 3 दिन की जमात में नाम लिखवा दिया। ठीक है, तैयार रहियो अपना। हाँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ठीक है, तैयार रहियो बस। हाँ इंशाल्लाह, दुआ करिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बिना कुछ ही नाम लिखवा देना, मेरे पे 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, जमात में कहाँ जाऊँगा। चलो देखेंगे जो भी होगा। गाइस न्यू साइबर ट्रक के बारे में क्या ख्याल है? और न्यू पोर्श मैकन हूँ, बढ़िया है ना? पॉकेट ब्रोकर के बंदे पागल हो गए हैं, वो लोग भी गिव दे रहे हैं जिन गिफ्ट की कीमत $1 मिलियन है। सच में पॉकेट ब्रोकर कंपनी को 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस खुशी के मौके पर आपको एक चांस मिलेगा कुछ मज़ेदार प्राइज जीतने का मौका। 28 मार्च से 28 अप्रैल तक आपको $50 के डिपॉजिट में एक गिवे का टिकट मिलेगा, उस टिकट से आपको इनमें से एक चीज़ जीतने का चांस मिलेगा। टेस्ला साइबर ट्रक, पोर्श मैकन, 10 प्राइज ऑफ $10,000, 20 प्राइज ऑफ $5,000, बिटकॉइन और 5 ETH, और भी बहुत कुछ। 10 लोगों को मिलेगा एप्पल विजन प्रो, 5 लोगों को मिलेगा मैकबुक प्रो 16 इंची, 10 लोगों को मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स और 5 लोगों को मिलेगा डेसन स्टेलर। लगभग कुल मिलाकर 25,000 से ज़्यादा प्राइज है, इनमें से आपके जीतने का चांस बहुत ज़्यादा है। याद रखें जितना आप टिकट को एक्टिवेट करोगे उतना आपके जीतने का चांस होगा, तो मौका है आपके पास इनमें से एक प्राइज जीतने का। मेरा प्रोमो कोड AASIF2024 यूज़ करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया है। टाइम बहुत कम है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो गिवे के लिए। ले 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 अच्छा जाने चीरा रुक के ना फोटो खींच, वो थारे भाड़ों में फोटो खींच रहा। चल 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 अरे वो थारी बहन का। ओ साहब बाइक, साहब बाइक, ओए ओए हमारी बाइक खा रहा है। भाई क्या छुरी तेरा, अभी मूड खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, ले जाओ, हमारा तो खाली डब्बा था, मोबाइल तो कहा ही लिया था। अल्लाह ना मत डब्बे की बदल मोटरसाइकिल दी थी, इसे चलाओगे बढ़िया घर को। चल भाई कलमा पढ़ते रहो सब। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इनको बोलो मेरे साहब। हाँ मारो आवाज। चचा जुल्फकार, चचा जुल्फकार। हाँ जी अल्लाह वाले है, जरा दिन की बात करो। वालेकुम सलाम जी, ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है। नमाज तो पढ़ ली होगी ना जी? आज नहीं पढ़ी। पढ़ी नहीं, थोड़ा लेट उठा था। कोई बात नहीं, वजू करो, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। भाई आज हमारी मस्जिद का गश्त है, उसमें हमारा साथ दो। मस्जिद में तालीम हो रही, नमाज पढ़कर तालीम में बैठो। ठीक है, जाओ जब भाई इन्हें छोड़ेगा जरा, जाओ भाई। चलो भाई चचा नेवले, गेट से चचा नेवले आ लिया। भाई वो शायद है नहीं, चलो आगे चल ले। अजी अभी तो चचा होगी, आवाज आई थी, आवाज आई थी। हाँ तो मारो फिर आवाज। चचा नेवले तो जमात वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो भाई? बढ़िया। वो सब बढ़िया। नमाज पढ़ ली? नहीं नमाज तो नहीं पढ़ी। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं पढ़ी तो नमाज पढ़ लो। चलो भाई लेके जाओ जी, मैं तो मेहमान हूँ। मेहमान? मेहमानों पर नमाज माफ है। पहले रिश्तेदार सुन लो बस। रिश्तेदार का यहाँ है, हम 15 मिनट हो गए यहाँ खड़े, आ ही नहीं रहे। बाहर अभी आवाज लगाऊंगा, अभी आएंगे। देखो बोला फूफा। ए जी फूफा। आसिफ, आसिफ ओ भाई उड़ा जी, जब यहाँ होंगे जब ही तो बोल लेंगे। मैंने बताया तो 15 मिनट हो गए हम यहाँ खड़े, इतना यहाँ से कोई से आओ, इतना मस्जिद में चल, नमाज पढ़। चलो एक बार फोन करके देख लूँ मैं। हाँ देख ले, ये तसल्ली भी दूर कर ले अपनी। हेलो आसिफ। हाँ भाई कहाँ? मैं घर ही। मैं गेट पे खड़ा हूँ, गेट खोल लो, सीधा लेके आया हूँ। चल आ रहा गेट पे, आ रहा। आया हो जल्दी। लो जी आ रहा है मेरा फूफा लड़का। तो आ रहा जी, चलो बढ़िया बात, इस बहाने से हमारी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल आप कहाँ जा? अरे बाबा वो आया वहाँ मामा का सीधा लेकर। अच्छा अच्छा, अगर जमात वाले पूछेंगे ना को बाबा नहीं है। ठीक, जमात वाले भी थे बाहर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक हो? जी जी बढ़िया। मामू ठीक हो? मामू भी ठीक है। चला जा। ओ भाई हेलो भाई साहब, यार हम यहाँ 15 मिनट हो गए खड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद में आज गश्त भाई हमारा साथ दो, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज पढ़ लो, दीन की बात चल रही मस्जिद में। हाँ जी वो तो ठीक है, बहुत धूप हो रही रोजे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा जी। चलो तुम आराम है। नहीं भाई नहीं, चलो आप मस्जिद में गश्त। अच्छा, भीतर बैठ कर बात कर ला जाओ। चलो भीतर बैठ कर लेंगे। बहुत हो रहा, रोजो नहीं आए तुम? नहीं रोजो भाई, हम भी कैसी बात कर रहा, भीतर लेकर चल दिया। क्या करो, भागने का भी हिसाब नहीं है। और बता, चाय लगवा थोड़ी सी इतना। हाँ चाय लगवा। ठीक है, बैठ भाई रिश्तेदार, बैठ। आ जाओ मीर साहब, बैठो जी मीर साहब। अल्लाह, थोड़ी थोड़ी चाय लगवा जाए। जा पटेगा मारूंगा, सही कर दूंगा। रमजान नहीं चल ले अजी, मैं तो यूँ समझा मगा जिक्र हमारा मेहमान नहीं रोज आए मगा, कभी तम भी ना हो बुरा लगना चाहिए। बेटे ऐसी बात नहीं करा करते, रोजे जो हमारे ऊपर है ना फर्ज, ठीक है। हमारी मस्जिद का गश्त हो हर हफ्ते, आज हमारी मस्जिद का गश्त है, उसमें तुम्हारा साथ दे, ठीक है। हम ना भी आओ ना, जब भी अपनी मस्जिद का साथ देना चाहिए गश्त में। भाई रमजान चल रहा, बरकतों का महीना, जितनी नेकियां करनी कर लो, डबल चढ़ेंगे मेरे हिसाब से। तू जमात में निकल जा, हम तो इसी वजह से आए तेरे ढोरो भाई। हाँ जी मैं चला था जाता, लेकिन क्या हम अपने बाबा को कहला जी, सारा काम मिलता रह जाएगा बस। बेटे ये तो दुनिया का निजाम है, ये तो इसी तरह चलता रहेगा। अगर आज इसी हालत में हमारी मौत आ जा तो कल को कौन सा काम रुक जाएगा, होगा ना जब भी जी। तो हमें निकलना पड़ेगा दीन के रास्ते में। ये भाई है, अपना लाखों का काम छोड़ के आया हुआ, इसका काम चल रहा, अल्लाह पाक करवा रहे काम। तो ऐसा ही सबको अल्लाह पाक ऐसे इस बाप बना रहे, जब दीन के काम में निकल जा तो एक बार नियत तो कर जी। नियत तो मैं कर लूँगा जी, वापा से पूछ के चलो बता दूंगा आपको। कहाँ वापा हमारी बात करा, हम पूछेंगे उसका। वापा तो जी तारी काट के नीचे, खाट के नीचे क्या कर रहा भाई? नहीं बोले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वहाँ क्या कर रहा जब आ रहा? अच्छा सुई खोई गई थी, सुई देख रहा था मैं तो, आ लिया। तो 15 मिनट हो गए हम यहाँ बैठे, जब तो सुई मिली नहीं। अरे भाई मैंने सोचा दिन के बाद चली, दिन के बाद बीच में ना बोलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। आवाज तो जा ही रही थी। और बताओ भाई जी? और तो बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नेवले 3 दिन में तेरा नाम लिखा हुआ, तू कदू जा रहा? अजी बस हम जाएंगे इंशाल्लाह, जब ईद हो, ईद के बाद देखेंगे। ईद के बाद नहीं तो बढ़िया मौका रमजान का, रमजान में सब फ्री रहो, इबादत बढ़िया कर सको आदमी। तो रमजान में ही लगा लो 3 दिन। अरे मेरा पता है 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, ऐसे ही पूछो तो तुम। अरे कोई बात नहीं, तो दुनिया का निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप नहीं जा रहे तो लड़के को भेज दो। लड़का नहीं जाने का, लड़का कहाँ है, तो नमाज में मिल जाता मेरे कहने। तो जब भी तो कह रहा 3 दिन की जमात हो गई तो पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा, नमाज की आदत बन जाएगी इसकी। जाने का तो नहीं हो? पूछ बेटे जागा जी, मैं तो तैयार हूँ, फिर चलूंगा। और क्या ले, वो तो कह रहा भाई जाने को तैयार हो तो। अजी इसके बिना भी तो नहीं काम चलने का, सारा काम तो यही करो। मेरे पे क्या हो जैसे थी? तो आप चलो फिर, जब सारा काम यो करो। अजी मैं कहूँ जी भी तो करो यो, अगर मैं ना कहूँ ये खड़े बिना फोड़ो यो। चलो अच्छा इंशाल्लाह इरादा करो फिर भी, ठीक है। अजी इरादा तो हमारा पूरा, देखो दूसरी चीज हमारे पास पैसे भी नहीं है, खर्चा पानी नहीं है, तो हम देंगे वो सुल्ली तेरी, जितना जमात में खर्चा होगा हम देंगे भाई। चलो दोगे? हाँ। एक काम करो फिर, हाँ ये जो पढ़ना ना, हाँ ये मेरे साले का। अच्छा जो जिब्बे हो 4-5 दिन रहेगा जाओ यहाँ। हाँ। तो यहाँ कहाँ हुआ पे हमारे पे खर्चा ही नहीं है, तो इसको ले जाओ तुम जमात में। ला भाई सीधा दे, हम तो तैयार है। मुझे घर में एक आदमी चाह रहा है इंशाल्लाह। चल भाई मेरे साथ जमात में चल। चल भाई। अजी मैं तो 1 दिन के लिए आया था, मैं तो चला। कोई बात नहीं तू चला जा। नहीं ना मैं तो चला जा। चला जा तू, क्या करो यहाँ यूं ही नहीं फिरता का, मामा का भी नाम खराब। सीधा देने के लिए आया था, सीधा दे दिया। इब्जा जमात मजा, अल्लाह का नाम ले। चल बेटे शैतान भगा रहा तुझे, तेरा बाप हम बात कर लेंगे, नो टेंशन हो जा तू और चला जा। चलो भाई चलो, रोजे भी सिखा दिया। इस हफ्ते में कुछ खाने को ना दियो सुअर को, तमाम सारे सुअर इसी में भर कर जा। था सफाई कैसे सब करनी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हो? अजी बस बढ़िया, आप बताओ। वो जमात मोटे तुम गई इनते जी, एक काम करो आज कलाम पाक पूरा हो रहा और मिठाई ले आओ शहर से जाके। अच्छा वो पैसों पास होगा किस रुख हो? पैसे ले लो मेरे पे लो। हाँ फिर तो ले आओगे, कोई बात नहीं ले लो। ठीक है जी ठीक हो। किस तरह जाओगे भाई? यहाँ तो सिकंदरपुर लो पैदल, उसके बाद बस पकड़ लूँगा सहारनपुर के लिए। अरे रोजे से कहाँ ढक के खाओगे, एक काम करो मेरी बाइक ले जाओ उसमें तेल गिरवा लियो और उस पर चले जाओ। मोटरसाइकिल उसमें 100 रुपये का तेल फूकोगा वहाँ तक, बस वाला 20 रुपये ले। कोई बात नहीं भाई, बस में चला जाओ, मुझे मिठाई चाह रही शाम तक, यहाँ ले आऊँगा मैं। जाओ तब ठीक है भाई। अलैक् अजय रोक लियो। क्या बात होगी? बिठा लियो, मुझे भी सहारनपुर जाना था। अच्छा भाई तो बैठ। क्या बात होगी? अजीब आगे डर हो जाओ मेरी कमर वो। चलो एक काम करो तुम पीछे जाओ, मैं चला लूँगा। सहारनपुर क्या करने जा रहे? सहारनपुर मिठाई लेने जा रहा जी। क्या बात जाकर चुप दिया ना ना। और वो कलाम पाक नहीं पड़ेगी आज। अच्छा अच्छा 10 दिन की पटा करो। नहीं नहीं 10वां पूरा कर लो उसके बाद लमदराता पढ़ो। हाँ मैं कहीं 10 दिन में खुश हो रहा हो ना 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 बात तुझे। मैं आप कहाँ जा रहे जी? मैं तो घर जा रहा जी, जुमेरात निकाल। अच्छा 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 जी। अच्छा पुलिस वाले खड़े सामने? पुलिस वाले इसके कागज पूरे भी है नहीं? अजी कागज तो पूरे पर इसे घुमा लो भाई, मुझे लगू डर। डरने क्या बात है, कागज पूरे है सर। रुको 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 रुको। 1896 साहब ये तो वही बाइक है जो हमारी चोरी हुई थी। चोरी की हो भाई? मुझे चोरी चारी की है, मेरी तो लूटने को मिली थी। हम यहाँ ले गया उनको। अरे कौन कह रहा तुझे चोरी की? अरे चोरी की है साहब बताएंगे। चलो चलो साहब बताएंगे, चलो नीचे। हाँ तो डर रहा ना तो हम आए नहीं। क्या बात होगी, क्यों लोगों को परेशान कर रखे? फालतू बोल रहा है। एक तो चोरी की बाइक ले रहा ऊपर से उस जवाजे बात कर रहा। पकड़ो इसको। अजी साहब जी मैं तो कह रहा था, मैं क्या बात होगी? दो डंडे लगाओ इसके पिछवाड़े पे, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। लगाओ अब सही बता बाइक कहाँ से तेरे पास? जी बाइक तो इसकी साहब जी। सही बता सही इसकी तो पूछो। इसकी नहीं बाइक तो तू चला रहा था। मैं चला रहा था, चला सकूँ ना इसलिए। सही बता दे रही तो पिशाब के साथ में टट्टी फ्री आवेगी। अजी इसका पूछो इसकी बाइक तो। अरे किसकी है बाइक? शाम मुझे क्या पता इसकी बाइक, मैंने तो इसको लिफ्ट ली थी रास्ते में। अरे झूठ की बोल रहा, सच बताने जा। सच ही तो बोल रहा मैं भाई, तूने मुझे लिफ्ट नहीं दी। साहब इसको पूछ लो ये चला रहा था गाड़ी हमें। अरे बता साहब ये बाइक चला रहा था, पीछे बैठा था साहब। झूठ बोला। अजी चला तो मैं रहा था लेकिन इन्होंने कहा था मेरी कमर में दर्द हो रहा है तू चला लो। भाई किसी की है? अल्लाह की कसम कितना झूठ बोल रहा हूँ। चलो बोला जी आप लिख लो जाओ। चलो साहब जी मुझे से जानना तो जी, इसे जानना दो। दे बिस्किट दे। अजय साहब जी कुछ ले देगा कर लो। क्या देगा? 1 मिनट जो भी तुम चाहोगे दे दूंगा, फोन करने दो। कल फोन किसे करेगा बोला? लीटर। हाँ बाबा वो बेटा कहाँ से? मैं तो बाबा ऐसी चिटाई चुटी बिचारा कहाँ तू। तो एक काम कर सिकंदरपुर अड्डे पा जा। क्या बात होगी? अरे यहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया, एक की मोटरसाइकिल पर बैठा था मैं, वो तो भाग गया या मेरा सिर पड़ गया चोरी की। अच्छा तो अब क्या करना? एक काम कर 20-30 हज़ार रुपये ठाक लाइए, अलमारी में रखे वैसे नहीं पंडा छुटने का। 20-30 हज़ार रुपये लेकर क्या करूँगा मैं? एक काम कर तू मेरी इससे बात करवा। अरे तेरी बात तो थोड़ा ही छोड़ देगा, मेरी तो मान नहीं रहा। अरे तेरी तो मैं भी नहीं मानता, ये तो क्या मान देंगे, मेरी बात करवा तू मेरी मान देंगे। ठीक है मैं दे रहा फिर। लो साहब जी बात करिए 1 मिनट। बोले अजी कर लो बस। हेलो हाँ नेता बोल रहा। हाँ जी बताइए नेता जी। अरे यार तूने इन्हें क्यों पकड़ लिए? तो बड़े सज्जन लोग हो, इन्हें छोड़ दे। सज्जन है ये चोरी की बाइक बरामद हुई इनसे। हाँ दे तू इन्हें छोड़ दे, जो मैं कह रहा हूँ कर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँगा मैं इसको? फिर तेरी वर्दी तरवा दूँ और तुझे साढ़े कच्चे में खड़ा करूँगा, समझेगा नहीं। ठीक एक काम कर लेता जी आप ही आ जाओ, आप इन्हें ले जाओ, मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले बात करो। साला वर्दी करवाएगा। हेलो, हाँ बाबा, आ जा। मैं नहीं आ रहा, कदियाँ पकड़ के मुझे गुंडो। अरे काम करिए तो कहाँ भरे, आ जा तू। अच्छा चल, फिर आ रहा, जल्दी आ। और इसी टाइम बात करिए, बिल्कुल ठीक है, भड़काना पड़िए। ठीक, आ रहे जी नेताजी, आ रहे। अरे खड़ा हो जा। लो साहब जी, नीचे बिठा रखा, कैसे बिठा नीचे? कौन है तू? मैं नेता जी। कौन सा नेता? युवा नेता। कौन सी पार्टी का नेता है तू? अजय पार्टी पोल्टी का नहीं हूँ मैं, हमारे यहाँ तो हरीश रावत आ जाओ, उसके साथ फोटो खिंचवा लो। दामी आ जाओ, उसके साथ खिंचवा लो। योगी आ जाओ, उसके साथ खिंचवा लो। कलेश आ जाओ, उसके साथ। साले आलू हो, वर्दी करवाएगा, वर्दी करवाएगा, वर्दी करवाएगा। जब इसकी भी, इसका भी, बाबा इसका वर्दी करवाएगा। बाबा बहुत नेताजी बनने दे, अब सालों जेल में जाओगे ना, पता चल जाएगा दोनों लोगों बाप पुत्तों को। बाबा अगर तू 2 दिन पहले 3 दिन की जमात में चला जाता ना, तू यहाँ फंसा था ना मैं फंसूता। कहीं मेरे पर टाइम था? फिर देखे टाइम तेरा कितना लगेगा, 2-3 लाख रुपए लगेंगे और 3-4 महीने की होगी तेरे जेल। तुम क्या कर सको, इतना बस भाग को देख ले। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बता दे। और रमज़ान चल रहा भाई, रोजे भी रखो, मज़े लो। और भाई जमातियों से ना लुकना ना चाहिए, हमने यही चीज़ इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी। भाई बहुत लोग ऐसा करते हैं तो वो दिखाया हम लोगों ने, खाट के नीचे बढ़ जाने वाले जैसे लोग। बहुत से लोग जमात वालों को देख कर रास्ता काट दो, और जमात में जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनावे। तो अल्लाह के रास्ते में कोई अपने घर बार छोड़ के, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा वक्त लगाओ, नहीं तो अल्लाह मैंने पता नहीं वक्त कहाँ लगवा दे। जिस तरह मेरा अपना चटकट का था चलान 4 महीने का, हाँ अब ये जेल में लगा रहा नेवड़ा, तो भाई ऐसा ना करो, अपना सही टाइम सही जगह लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया और लव यू ऑल, फैला दो वीडियो। और हाँ दोस्तों एक और खबर है यार, हमारा न्यू सॉन्ग भी आ चुका है, हरियाणा की जाड़नी। जिस भाई ने नहीं देखा वो जाके देख सकता है, ट्यून भी हरियाणवी पे, और ये जो फोटो आ रहा ना उसी गाने का है ये, इस पर टच करके आप लोग देख सकते हो गाना। तो जाओ जाके लाइक कमेंट शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो अपना, और कमेंट करो, और इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दो और कमेंट करो।